सर अभी गुड रिमूव मॉर्निंग, मत करना सर, इसको मैं लिख लेती हूँ। श्रद्धा गुड मॉर्निंग, शिवानी जी गुड मॉर्निंग, पूजा जी गुड मॉर्निंग, ज्योति जी गुड मॉर्निंग, रामवती जी गुड मॉर्निंग। तो आज मराठा शक्ति की बात करनी थी, है ना? आज मराठा शक्ति की बात करनी थी। मैसूर की बात हमने कल की थी और अभी ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में हमें ये देखने को मिलेगा कि इतिहास में किस प्रकार से घटनाओं का क्रम चला है। मराठा शक्ति आप जानते हैं, छत्रपति शिवाजी के समय वह मराठाओं का अभ्युदय होता है और छत्रपति शिवाजी एक योग्य शासक इस शक्ति को एकीकृत करके रखते हैं, एक तरीके से बांध कर रखते हैं, बिखरने नहीं देते हैं। लेकिन उनके बाद शक्ति का बिखराव, शक्ति का विकेंद्रीकरण शुरू होता है और जो मराठा संघ है वह जो अपने पर्सनल हित होते हैं, उन हितों के चलते, हर व्यक्ति के अपने कुछ व्यक्तिगत हित होते हैं, उन व्यक्तिगत हितों के लिए हम यहां देखेंगे कि कैसे मराठा संघ और उसके जो व्यक्ति हैं वो अपने ही राज्य की नींव कमजोर करने में लगेंगे, व्यक्तिगत रूप से जाके अंग्रेजों से संधि करेंगे और फिर इस मराठा संघ की जो नींव है, जो आधारशिला है और भारत पर जो शासन करने की महत्वाकांक्षा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो मराठा संघ है उसमें अष्ट प्रधान का एक कॉन्सेप्ट होता था और उस अष्ट प्रधान में जो राजा होता था उसको छत्रपति की उपाधि से नवाजा जाता था। इसको लिख लीजिएगा, लिखते भी जाइएगा, ठीक। और छत्रपति को राजा और पेशवा को प्रधानमंत्री और इनका जो विदेश मंत्री होता था उसको सुमंत कहते थे, सुमंत। तो मराठा शक्ति में छत्रपति, राजा, पेशवा, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सुमंत के नाम से कहे जाते थे। सर्वप्रथम शिवाजी जो कि मराठा वंश के संस्थापक थे, कि आप टाइम पीरियड देख पा रहे हैं 1627 से 80 का वह टाइम पीरियड, इनके दो पुत्र जिसमें से एक संभाजी, और संभाजी 1680 से 89 के टाइम पीरियड में गद्दी पर रहते हैं और अगले पुत्र है राजा राम जो 1689 से 1700 तक गद्दी पर रहते हैं। वास्तविकता में संभाजी के जो पुत्र थे 89 में, उनके पुत्र शाहू को मुगल खाने में कैद कर लिया गया, औरंगजेब ने कर लिया कैद और रखे रहा दिल्ली में। अब कैद कर लिया तो मराठा वंश और मराठा संघ को तो चलाना ही था। ऐसी स्थिति में राजा राम जी की जो पत्नी थी ताराबाई, उन्होंने मराठों का नेतृत्व तो संभाला, लेकिन बहादुर शाह प्रथम, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो बहादुर शाह प्रथम ने एक काम किया कि पुत्र शाहू को कैद से रिहा कर दिया और ये उसकी एक सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि यहां हम देख रहे हैं ताराबाई नेतृत्व तो संभाल रही मराठों और शाहू जी भी स्वाभाविक लीडर हैं मराठाओं के। अब ये जब जेल से बाहर आएंगे तो वापस आके सबसे पहले क्या कहेंगे? हमारा राज्य दो, ठीक है, यही बात होगी। तो ऐसी स्थिति में जब ये इन्होंने कहा कि हमारा राज्य वापस करिए तो फिर वहां से परिस्थिति और बिगड़नी शुरू होगी, ठीक है ना? इसको नोट करिए, जल्दी से आगे बढ़ना है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए। नोट हो जाए तो बता जरूर दीजिएगा। पल्लवी जी नमस्ते।
सबका सबने नोट कर लिया? श्रद्धा ने कर लिया, शिवानी जी ने कर लिया, ज्योति जी ने कर लिया, पूजा जी ने कर लिया, दूसरी पूजा जी ने भी कर लिया, डन सर, तनुजा जी ने कर लिया। ठीक, अब जब ये कैद से रिहा होके आए तो फिर हुआ क्या, आगे समझ पाए चीजों को, कि साहू जी ने अपने शासन को संभाला। तो 1707 से 49 का टाइम पीरियड जब साहू जी सत्ता में रहे, और इनके इन्होंने जो पेशवा नियुक्त किया वो नियुक्त किया बालाजी विश्वनाथ को। फिर उसके बाद पेशवाओं ने एक लंबा मराठा शासन को संभाला है, उसकी नींव को मजबूती दी है। जहां आप देखते हैं पेशवा बालाजी विश्वनाथ, वह 1713 से 20 का टाइम पीरियड। इसके बाद बाजीराव प्रथम आ जाएंगे, ठीक। फिर बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहेब के नाम से जानते हैं, 40 से 61 का टाइम पीरियड। माधवराव प्रथम, और माधवराव के बाद नारायण राव। नारायण राव के जो प्रतिद्वंद्वी थे वो थे रघुनाथ राव, और रघुनाथ राव इतने आहत हो जाएंगे नारायण राव के पेशवा बनने से कि इनकी हत्या कर देंगे, और निराश होकर अंग्रेजों के पास पहुंचेंगे और अंग्रेजों से सूरत की संधि करेंगे 1775 में। लेकिन नारायण राव के बाद जो पेशवा बनेगा वो बनेगा माधवराव द्वितीय 1775 से 95, और फिर बाजीराव द्वितीय। और बाजीराव द्वितीय के जो हैं वो रघुनाथ राव के ही पुत्र हैं, ठीक। और फाइनली बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि करेंगे 1802 में, और मराठा शक्ति का जो एक टर्नओवर है वो खत्म हो जाएगा भारत से। बेसिकली अगर मराठाओं को देखें तो मराठा वीकेंड पॉइंट मराठाओं का क्या रहा, तो वीक पॉइंट रहा कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में, वो मराठाओं के लिए किसी एक बुरे सपने से कम नहीं था। मराठा शक्ति भारत में यह सोच रही थी कि हम प्रबल हैं, हम शक्तिशाली हैं, तो हम भारत के स्वाभाविक शासक बनेंगे। डिप्लोमेसी भी की गई, सैयद बंधुओं के साथ मिलकर, ये जो बालाजी विश्वनाथ को आप देख रहे हैं, इन्होंने समझौता किया और मुगल सम्राट फारूक शियर की हत्या कर दी, और रफीउद्दरजात को फिर इन्होंने मुगल सल्तनत का बादशाह बनाया। ये दो हैं, रफीउद्दरजात और रफीउद्दौला, जो थोड़े थोड़े समय के लिए मुगल बादशाह बने, ठीक। ऐसी परिस्थिति में जब 1761 में अहमद शाह अब्दाली के साथ इनका पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, तो उसमें स्थिति क्या बनती है, चूंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो चौथ और सरदेशमुखी ये टैक्स था, और इस तरीके के टैक्स मराठा संघ द्वारा लिए जाते थे पड़ोसी राज्यों से कि हम आप पर हमला नहीं करेंगे, आपकी भूमि पर नहीं आएंगे। इन टैक्सेस से परेशान होकर जो राजा थे उस समय, उन्होंने पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा शक्ति की मदद नहीं की। ऐसे में जब मराठा पानीपत का तृतीय युद्ध हार गए, तो यह तय हो गया कि भारत के शासक मराठा तो नहीं ही होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह तय नहीं किया कि भारत का शासक कौन होगा, वरन यह तय किया कि भारत का शासक कौन नहीं होगा। मराठा शक्ति जो कि भारत का, क्योंकि मुगलों की शक्ति कमजोर थी और मुगल उस समय भारत के शासक थे, मराठा यह दावा करते थे कि मुगलों की जगह पर मराठा सत्ता भारत के तख्त पर बैठेगी, परंतु पानीपत के तृतीय युद्ध में हारने के बाद उनका यह दावा सिरे से खारिज हो गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह तय नहीं किया कि भारत का शासक कौन होगा, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली को भारत के तख्त या गद्दी का कोई भी इस तरीके का स्वप्न नहीं था। वह आया, युद्ध किया और वापस चला गया। उस समय जो सत्ता थी वो एक तरीके से खाली हो चुकी थी, क्योंकि मुगल सम्राट भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। ऐसी स्थिति में इस पानीपत के युद्ध ने यह तय कर दिया कि मराठा तो भारत के शासक नहीं होंगे, क्योंकि युद्ध में आ गए। तो मराठाओं की शक्ति 1761 के बाद से धीरे धीरे टूटने लगेगी, और उस टूटने वाली अवस्था में फिर यह संघ बिखरने लगेगा। इसको नोट कर लीजिए, और सबसे पहले हम बालाजी विश्वनाथ के
ए पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ये हेडिंग डालिएगा ठीक। और देखें इन्होंने मुगलों के साथ किस प्रकार से संधि सैयद बंधुओं के साथ की और किस प्रकार से क्या अधिकार प्रस्ताव रहे हैं उस समय ठीक। तो सबसे पहला हेडिंग डालिएगा पेशवा बालाजी विश्वनाथ और टाइम पीरियड लिख दीजिएगा 1713 से 1720 ठीक है। टाइम पीरियड लिख दीजिएगा 1713 से 1720 चलें आगे। 1802 वाली कौन सी संधि है यहाँ पे अंग्रेजों के पास? ये संधि है 1802, ये संधि है बेसिन की संधि। चलें आगे। आज्ञा है। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा पेशवा बालाजी विश्वनाथ। पेशवा, अच्छा ठीक है, दो मिनट रुको। हेडिंग डाल लीजिएगा पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ये इतना नोट करने के बाद हेडिंग डाल लीजिए। तो छोटे हैं तो छोटों में रिस्पेक्ट नहीं होती क्या? रिस्पेक्ट हर व्यक्ति की होती है ठीक है, ध्यान रखिएगा। हर व्यक्ति की अपनी रिस्पेक्ट होती है और उस रिस्पेक्ट को देना भी चाहिए। हेडिंग जहां पे मैंने अंडरलाइन किया हो वही आपकी हेडिंग है पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। एक एक पेशवा को डिस्कस करते हुए चले। बिल्कुल होती है, जी नहीं लगाएंगे तो भी रिस्पेक्ट होती है, लेकिन भारतवर्ष में समस्या क्या है कि हमारे यहाँ यही समस्या है कि हम काम को छोटा बड़ा देखते हैं। इसे आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग जो होते हैं वो पदों पर ऊंचे पहुंच जाते हैं। तो हमने अंग्रेजों की ये जो पद्धति अपनाई है इसने कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को बिगाड़ा है। हमारे यहाँ बड़े सम्मान के साथ बात होती थी ठीक है ना, ऐसी एक दशा में हमें इन चीजों को बदलना होगा। हम आज भी उसी पद्धति पर चले जा रहे हैं ठीक, पढ़ते हैं दैट इज अनदर थिंग, बट कुछ चीजें हमारी अपनी होनी चाहिए, मेरा यही मानना ठीक। और हमारे यहाँ तुम तो ऑनलाइन आए थे, आज भी आए थे, इसलिए जीवी का सिस्टम यही है कि कुछ चीजें अपनी होनी चाहिए, इसलिए जी लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं है जी बोलने से रिस्पेक्ट होती है ठीक, परंतु हमारे यहाँ जो भाषा थी वो बहुत सरल और स्वाभाविक थी। हमने ब्रिटिशर्स के प्रभाव में आके अपनी बहुत सी चीजें खत्म कर दी, जिसकी वजह से आज ये समस्या है। इसीलिए भारत में आपने देखा होगा खासतौर पर कि हमारे यहाँ काम में भी छोटा और बड़ा काम, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जो झाड़ू लगा रहा है उसका काम इम्पोर्टेंट नहीं है ठीक, और ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति रिक्शा चला रहा है तो उसका काम इम्पोर्टेंट है। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब आईएएस है तभी इज्जत इज्जत मिलेगी ठीक, नहीं है तो नहीं मिलेगी। और आप लोगों को तो बनना है तो फिर उस हिसाब से डेवलप करिए। एक अच्छे अधिकारी के रूप में यही है, एक अच्छा अधिकारी अपने साथ काम करने वाले सभी सदस्यों का बराबर सम्मान करता है ठीक। और एज एन अध्यापक मैं आपको यही कहूंगा कि जितने भी लोग आपके आसपास हैं आप सम्मान सबको प्रॉपर बराबर दीजिए ठीक, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। ऊपर वाले ने सबको ऊपर वाला है या कोई साइंस के अकॉर्डिंग मान लीजिए कोई दूसरी सभ्यता, जिसने भी आपको बनाया उसने सबको बराबर बनाया, सबके पास एक ही स्टमक, एक ही इंटेस्टाइन, एक ही हार्ट ठीक। काम में अलग अलग हैं, वो चीजें अलग हैं। लोग थ्योरीज देते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि हर थ्योरी ठीक ही हो
ये नोट कर लिया, हो गया ठीक। तो पहली हेडिंग डाली, ये बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया, इसने मुगलों के साथ समझौता किया। और समझौता क्या था कि इसने कहा कि ऐसा है, हम मुगलों को 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष देंगे और कभी भी युद्ध की स्थिति होगी तो मुगल हमारी मदद करेंगे ठीक। और फिर सैयद बंधुओं के साथ मिलकर इसने मुगल सम्राट फारूक शेर की हत्या, इन लोगों ने मुगल सम्राट फारूक शेर की हत्या कर दी और हत्या करके रफीकुलजात को गद्दी पे बिठा दिया। तो डिप्लोमेसी की शुरुआत इस पेशवा बालाजी विश्वनाथ के समय से ही शुरू हुई ठीक। और फिर धीरे धीरे वो चीजें आगे बढ़ती गई ठीक। और बाजीराव मस्तानी देखी होगी, देखिए वो ये नीचे वाले हैं ठीक, लिखेंगे इसमें कि कन्या इन्हें प्राप्त हुई थी उसका नाम मस्तानी था ठीक है, तो सही दिखाया गया ठीक। और इसी मस्तानी ने इन्हें मस्त कर दिया, बहुत ही योग्य शासक ठीक, कुछ करते जीवन में कुछ भारत के लिए मराठा शक्ति के लिए, लेकिन मस्तानी मिल गई बीच में, मस्त हो गए ठीक है ना। तो उसमें लिखेंगे बाकायदा कहां मिली, कैसे मिली, अब क्यों मिली ठीक। तो आज आपको पता चलेगा वास्तविकता थी क्या, अब मूवी में क्या देखिए ठीक। तो पहले सबसे पहले हेडिंग डालिएगा पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20, और इसमें प्रथम बिंदु लिखिएगा सत्रह सौ सात में साहू छत्रपति बना, तब उसने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ ने चौथ वसूल करने का अधिकार, बालाजी विश्वनाथ ने चौथ वसूल करने का अधिकार, चौथ वसूल करने का अधिकार विभिन्न मराठा सरदारों को दे दिया, विभिन्न मराठा सरदारों को दे दिया। फलतः मराठा संघ की नींव पड़ी, फलतः मराठा संघ की नींव पड़ी। फलतः मराठा संघ की नींव पड़ी। अगला बिंदु लिखिएगा बालाजी विश्वनाथ ने 1719 में चौथ किया था, अभी पता चलेगा चौथ क्या था। कुछ नहीं छोड़ूंगा भाई, टेंशन क्यों लेते हैं, जब आएगा तो बता दूंगा। टैक्स है एक प्रकार का, जैसे आज देते ना जीएसटी, उसी प्रकार का टैक्स है ठीक। सिर्फ चौथ नहीं था, सरदेश मुखी भी था है ना, सहोत्रा भी था, नादगोंडा भी था, बाबती भी था, सब अलग अलग लिखवा दूंगा ठीक, डोंट टेक टेंशन। बालाजी विश्वनाथ ने 1719 में मुगल अधिकारी सैयद बंधुओं से दोबारा हेडिंग कर 1719 में बालाजी विश्वनाथ ने 1719 में मुगल अधिकारी सैयद बंधुओं से संधि कर, सैयद बंधुओं से संधि कर विशेष अधिकार प्राप्त किए, विशेष अधिकार प्राप्त किए, विशेष अधिकार प्राप्त किए। इस संधि को इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने, इस संधि को इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने मैग्ना कार्टा कहा है। मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार पत्र। इस संधि को इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने
मराठों का मैग्ना कार्टा अर्थात अधिकार पत्र का। ठीक, अब इन बिंदुओं को कहां समावेशित करेंगे? प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये, जब मेंस में आप उत्तर लिख रहे होते हैं तो इन बिंदुओं का समावेशन कर देना होता है, बस उससे सामने वाले को पता चल जाता है कि आपको पता है बस। ठीक, जीएस के स्तर पर, ऑप्शनल के स्तर पर थोड़ा सा बढ़ा देंगे और कुछ नहीं करेंगे, सिलेबस सेम ही रहता है, ये ध्यान रखिएगा, सिलेबस कभी नहीं बदलता। ठीक, वहां आप यही पढ़ेंगे। ठीक है, अगला लिखिए, इस संधि के तहत, अगला बिंदु है, इस संधि के तहत मराठों के क्षेत्र पर, इस संधि के तहत मराठों के क्षेत्र पर मुगलों ने, इस संधि के तहत मराठों के क्षेत्र पर मुगलों ने उनके राजस्व अधिकारों, उनके राजस्व अधिकारों को मान्यता प्रदान की, उनके राजस्व अधिकारों को मान्यता प्रदान की और उन्हें, और उन्हें दक्षिण के राज्यों से, और उन्हें दक्षिण के राज्यों से चौथ वसूल करने का, वही करवा चौथ वाला चौथ है ये, चौथ वसूल करने का अधिकार दिया, अधिकार दिया, इसीलिए करवा चौथ का नाम करवा चौथ रखा गया है, टैक्स लेना पड़ता है उससे। ठीक, मुझे नहीं पता चौथ का मतलब चौथाई भाग, ठीक है, मजाक कर रहा था, तुम लोग अभी सीरियस ले लोगे, है ना। अब मुख्यतः इसमें जो लड़कियां बैठी हैं उनका उनका दिमाग जो सर मजाक भी, ठीक है, तो चौथ का मतलब चौथाई भाग, ठीक है, है ना, चौथ प्राप्त करने का अधिकार दिया, आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर मराठे मुगलों की, आवश्यकता पड़ने पर मराठे मुगलों की सैन्य सहायता करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर मराठे मुगलों की सैन्य सहायता करेंगे, साथ ही, साथ ही 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष, साथ ही 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुगलों को देंगे, 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुगलों को देंगे। ठीक, अब इसी संधि के तहत, ठीक है, जो मराठाओं ने कहा कि हम सहायता करेंगे, इसी संधि के तहत सैयद बंधुओं ने मराठाओं को बुलाया और फारूक शेर की हत्या कर दी। अगले बिंदु में लिखिए, इस संधि के तहत जब, इस संधि के तहत जब मुगल अधिकारी, इस संधि के तहत जब मुगल अधिकारी सैयद बंधुओं ने, इस संधि के तहत जब मुगल अधिकारी सैयद बंधुओं ने, जब मुगल अधिकारी सैयद बंधुओं ने मराठों से मदद मांगी, मराठों से मदद मांगी, तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ और सेनापति खंडेराव दबादे के नेतृत्व में, सेनापति खंडेराव दबादे के नेतृत्व में, के नेतृत्व में मराठा सेना दिल्ली पहुंची, मराठा सेना दिल्ली पहुंची, मराठा सेना दिल्ली पहुंची और मुगल बादशाह, और मुगल बादशाह फारूक शियर, मुगल बादशाह फारूक शियर को मार दिया गया, मुगल बादशाह फारूक शियर को मार दिया गया। तत्पश्चात सैयद बंधुओं ने, तत्पश्चात सैयद बंधुओं ने रफी उद्जात को बादशाह बनाया, रफी उद्जात को बादशाह बनाया। ठीक,
अब जरा हेडिंग दीजिएगा अगला, बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम ये वाले 1720 से 40। ठीक, मामला क्या था ये बाजीराव प्रथम का? मामला ये है कि ये देख रहे थे कि भाई मराठा शक्ति जो मुगल शक्ति है वो कमजोर हो रही। ठीक, तो बाजीराव प्रथम ने कहा कि हमें इस कमजोर तने के ऊपर प्रहार करना चाहिए, तो शाखाएं खुद टूट कर गिर जाएंगी, क्योंकि इस समय जो मुगल शक्ति है वह कमजोर है भारत के अंदर, और यदि हमें भारत में अपनी सत्ता स्थापित करनी है तो हमें मुगलों को अपदस्त करना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मुगलों को अपदस्त करने के लिए यदि मराठा शक्ति को दिल्ली के दिल्ली का अपना सल्तनत चाहिए थी और दिल्ली पर शासन करना था तो मुगलों को कमजोर करना जरूरी था। यही बाजीराव प्रथम कहता था कि इस कमजोर तने पर इतने प्रहार करो कि इसकी शाखाएं टूटकर खुद गिर जाएं। और वह यह भी कहता था कि मराठा शक्ति का जो झंडा है वो कृष्णा नदी से लेकर सिंधु नदी तक फहराएगा। इसका अर्थ यही है कि वह एक संपूर्ण मराठा साम्राज्य और भारत पर अपना शासन चलाने की बात कर। और फिर बाजीराव प्रथम को बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल से कॉल आता है, ये मदद करने पहुंचते हैं, और ऐसी बातें पहले ये करते थे, बड़े योग्य थे। और फिर कुछ क्षेत्र जो थे बुंदेलखंड के वो इनको प्राप्त होते हैं, झांसी वगैरह, और झांसी के साथ इनको एक कन्या भी प्राप्त होती है जिसका नाम आप सभी को पता है, मस्तानी। और फिर बाजीराव जी ऐसे मस्त होते हैं कि उसके बाद मस्त ही हो जाते हैं। ठीक है ना, तो कुल मिला के ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास कह रहा है। ठीक है ना, कल को कौदी सर ने कहा था। ठीक, तो ये तो सब बताते हैं कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि एक असफल व्यक्ति के पीछे 1, 2, 3, 4, 5 महिलाओं का हाथ होता है। ठीक, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं इतिहास कहता है। ठीक, तो खुद देख लो, एक योग्य शासक जैसे ही कन्या मिली, हो सकता था कि वो मराठा संघ को एक शक्ति बना देता। ठीक, उसके बाद इतिहास में नाम खत्म हो गया। ठीक है, तो तीन बिंदु हैं, तीन बिंदुओं में इनको श्रद्धांजलि दे देंगे हम लोग। ठीक, पहला बिंदु लिखे बाजीराव प्रथम ने मुगलों के प्रति अपनी नीति। बाजीराव प्रथम, जब मैं प्रथम बोला करूं तो ऐसे लिख लीजिएगा बाजीराव फर्स्ट, बस इतना ही लिखना होगा, ने मुगलों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें इस कमजोर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। पूर्ण विराम। बाजीराव प्रथम ने विशाल शाखाएं खुद ब खुद गिर जाएंगी। बाजीराव प्रथम ने एक विशाल मराठा साम्राज्य के निर्माण का लक्ष्य घोषित किया इसी क्रम में उसने कहा कि मराठा झंडा कृष्णा नदी से सिंधु नदी तक फहराया जाएगा। अगला बिंदु लिखिएगा, बाजीराव प्रथम ने बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल की मदद की पलतः उसे
फलतः उसे बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्र, फलतः उसे बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्र सागर कौमा झांसी, सागर कौमा झांसी आदि प्राप्त हुए, आदि प्राप्त हुए। और इसी क्रम में, और इसी क्रम में उसे उसकी, और इसी क्रम में उसे उसकी मस्तानी नामक कन्या प्राप्त हुई। और इसी क्रम में उसे उसकी मस्तानी नामक कन्या प्राप्त हुई। मिल गई मस्तानी, खेल खत्म। 1740 तक रहे, उसके बाद खत्म। अगले वाले जो हैं वो है पेशवा बालाजी बाजीराव। ठीक, पेशवा बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, इन्हें नाना साहेब भी कहा जाता है, नाना साहेब। और ये 1740 से 61 के पीरियड तक पेशवा रहेंगे। ठीक, इन्हीं के समय पानीपत का तृतीय युद्ध होगा। ठीक, ठीक, इसमें लिखिएगा प्रथम बिंदु, इस पेशवा के समय छत्रपति साहू की, इस पेशवा के समय छत्रपति साहू की 1749 में मृत्यु हो गई। इस पेशवा के समय छत्रपति साहू जी की 1749 में मृत्यु हो गई। और फिर राजा राम द्वितीय, और फिर राजा राम द्वितीय छत्रपति बना, छत्रपति बना, जिसके साथ, जिसके साथ, जिसके साथ पेशवा बालाजी बाजीराव, पेशवा बालाजी बाजीराव ने संगोला की संधि, पेशवा बालाजी बाजीराव ने संगोला की संधि की, संगोला की संधि की और संपूर्ण अधिकार, संगोला की संधि की और संपूर्ण अधिकार पेशवा में निहित कर दिया। यहां से पेशवाओं की शक्ति का उदय अपना होता है। बालाजी बाजीराव के बाद संपूर्ण अधिकार अब पेशवा के पास आ गया, छत्रपति के पास अधिकार नहीं रहा। ठीक है ना, अतः अतः मराठा राज्य का प्रधान अब, अतः मराठा राज्य का प्रधान अब पूर्णतः पेशवा बन गया, पूर्णतः पेशवा बन गया। और पूना, जिसको आज आप पुणे के नाम से जानते हैं, और पूना, पूना पेशवा की शक्ति का केंद्र बना, और पूना पेशवा की शक्ति का केंद्र बना। अब दूसरा बिंदु लिखिएगा, बालाजी बाजीराव के समय, बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ, 1761 में हुआ। यह युद्ध अफगान एवं मराठों के बीच हुआ, यह युद्ध अफगान एवं मराठों के बीच हुआ, जिसमें अफगानों का नेतृत्व, जिसमें अफगानों का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने किया, ने किया। तो
तो मराठों का नेतृत्व पेशवा के पुत्र सेनापति विश्वास राव ने किया। मराठों का नेतृत्व पेशवा के पुत्र सेनापति विश्वास राव ने किया, जो नाम मात्र का सेना प्रधान था। जबकि वास्तविक रूप में सेनापति का कार्य सदाशिव राव भाऊ ने किया। इस युद्ध में मराठों को क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग नहीं मिला। जाट नेता सूरजमल युद्ध से अलग रहा। जाट नेता सूरजमल युद्ध से अलग रहा। युद्ध में मराठों के तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम गर्दी ने किया। ठीक, अब जरा प्रश्न नोट करते हैं। क्वेश्चन लिख लेना पापू। ऐसे प्रश्न के उत्तर में लिखवा, ठीक है? ये प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना, स्टेटमेंट फॉर्म में आते हैं और सिर्फ फिर आपको पहचानना होता है और प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो अगर पढ़ाने के पहले ही बता देता तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते, ठीक? अब आप कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है, मन में। ऐसे स्टेटमेंट ही पूछे जाते हैं वहां पे, स्टेटमेंट दे देंगे और उसका उत्तर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका उत्तर लिखिए, पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय हुई और उसके दोनों सेनापति सहित भारी मात्रा में सैनिक मारे गए। इस संदर्भ में पेशवा को व्यापारियों से सूचना मिली कि उसके
दो मोती विलीन हो गए, उसके दो मोती विलीन हो गए, उसके दो मोती विलीन हो गए, ठीक। अतः दुख से पेशवा भी मर गया, अतः दुख से पेशवा भी मर गया, अतः दुख से पेशवा भी मर गया, बड़े दुख की बात है। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी वर्णन, इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी वर्णन पंडित काशीराज ने किया है, प्रत्यक्षदर्शी वर्णन पंडित काशीराज ने किया है। वस्तुतः मराठे क्या प्रत्यक्ष से आगे, इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी वर्णन पंडित काशीराज ने किया है। वस्तुतः मराठे मुगलों की सत्ता को चुनौती देकर भारत की सत्ता प्राप्ति का दावा कर रहे थे। भारत की सत्ता प्राप्ति का दावा कर रहे थे, किंतु पानीपत की पराजय से उनकी यह दावेदारी खोखली साबित हुई। अतः अब मराठे भारत के शासक नहीं हो सकते थे। दूसरी तरफ विजयी होने वाले अफगानों ने कभी भी भारत का शासक बनने का दावा नहीं किया। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों की भारत में सत्ता स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। खाली कुर्सी है, अब तो कोई है ही नहीं। मराठे जो चुनौती दे रहे थे वो खत्म हो चुके हैं, मुगल सत्ता उतनी स्ट्रांग है नहीं, अफगान जो जीते उनको बैठना नहीं था दिल्ली, तो खाली कुर्सी थी जिसपे अंग्रेज बैठे, और अंग्रेज युद्ध में अभी बिजी है, ठीक। भारत में क्षेत्रीय शक्तियां हमेशा लड़ती रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि भारत में क्षेत्रवाद है, बहुत पुरानी बात है। यहाँ स्टेटहुड बहुत ज्यादा है लोगों में, ठीक, कहते जरूर ना ये भारत माता की जय, लेकिन पीछे कहीं ना कहीं दिखाई देगा, ठीक, यार हरियाणा थे और ये सब चलता रहता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। अभी आप देख भी रहे, ठीक, अभी एक ही दूसरे घर के अंदर ही लड़ाई कर लेते हैं, ठीक, बाहर वाला तो मारेगा ही फिर तुमको, मतलब जाके इतना परेशान होंगे कि वहां चले जाके रोने लगेंगे अंग्रेजों के पास, अरे हमको शासक बना दो, फिर करेंगे सूरत की संधि और अपने ही परिवार के एक सदस्य को मार देंगे। इसलिए सत्ता के लिए, तो सत्ता बड़ी दुर्दांत चीज है, सत्ता चाहता है इस प्रकार के कर्म करेगा ही करेगा, ठीक है ना। यहां से एक चीज पता चल गई कि अंग्रेजों का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब जरा पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, ये तो देख लिया पराजय के कारण क्या थे, ठीक, तो इसमें लिखिएगा मराठों की पराजय के निम्नलिखित कारण थे। एक तो अभी मैंने आपको बता दिया आपसी एकता का अभाव था, ठीक। मराठों की पराजय के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण लिखेगा मराठों में आपसी एकता का अभाव था। एक कारण मैंने आपको ही बताया था कि टैक्स वसूलने की वजह से, चौथ वसूलने की वजह से, तो इनके निकटतम राजा थे, ठीक है,
है ना, जो क्षेत्रीय शक्तियां थी उन्होंने मदद नहीं की। चौथ ये इसलिए वसूलते थे कि हम तुम्हारे इस राज्य पे कब्जा नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे। बताओ ये गुंडा टैक्स हुआ कि नहीं हुआ? गुंडा टैक्स वसूलिएगा तो कोई मदद करने आएगा? नहीं आएगा, ठीक है ना। तो दूसरा बिंदु ये लिखिए, चौथ वसूली की वजह से, चौथ वसूली की वजह से मराठों के अनेक शत्रु बन गए, चौथ वसूली की वजह से मराठों के अनेक शत्रु बन गए। फलतः फलतः युद्ध में, फलतः युद्ध में मराठे क्षेत्रीय शक्तियों का, मराठे क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग प्राप्त नहीं कर सके, मराठे क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग प्राप्त नहीं कर सके। अगला लिखिएगा, मराठों के सैन्य संगठन में कमजोरी थी, मराठों के सैन्य संगठन में कमजोरी थी। मराठों के सैन्य संगठन में कमजोरी थी, वह अपनी परंपरागत, वह अपनी परंपरागत गुरिल्ला युद्ध पद्धति, वह अपनी परंपरागत गुरिल्ला युद्ध पद्धति को त्याग कर पैदल सेना के माध्यम से, वह अपनी परंपरागत गुरिल्ला युद्ध पद्धति को त्याग कर पैदल सेना के माध्यम से युद्ध कर रहे थे, पैदल सेना के माध्यम से युद्ध कर रहे थे जिसमें वह कमजोर थे। अब अगला लिखिएगा, पेशवा माधवराव फर्स्ट 1761 से 1772, ठीक, ये एक योग्य पेशवा था। इसने पानीपत की पराजय के बाद मराठाओं को पुनः संगठित किया, बीमारी से मर गया था, और इसकी मृत्यु को मराठों के लिए पानीपत की हार से ज्यादा घातक माना गया, क्योंकि इसने शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर दोबारा बैठाया, मुगल शासक, ठीक। और अगर यह जिंदा रहता तो शायद मराठा शक्ति का स्वरूप फिर कुछ और होता, बस इसी के बाद से खेल बिगड़ना शुरू हो जाएगा और अंग्रेज मराठों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने शुरू कर देंगे। हमेशा ध्यान रखें, अंग्रेजों ने वेट बहुत किया है, इंतजार बहुत किया है, जब तक कोई योग्य शासक गद्दी पर है वो हस्तक्षेप करते ही नहीं थे। अभी यही हम पंजाब में भी देखेंगे, जब तक रणजीत सिंह रहेंगे तब तक अंग्रेज उस तरफ घूम कर भी नहीं देखेंगे, और जैसे ही रणजीत सिंह जाएंगे बस फिर तो पंजाब पर उनका कब्जा होगी, ठीक, क्योंकि एक योग्य शासक शासन को बांध पकड़ कर चलता है। यही बात कर रहे हैं, शासन में बिखराव बंगाल में भी आपने यही देखा, भाई जब तक योग्य शासक है, जब तक मुर्शीद कुली खां रहा, उसने सब कुछ ठीक से हैंडल किया, तब उतने अंग्रेज आए भी नहीं थे। अब सिराजुद्दौला को अपने ही जो षड्यंत्र था उसी की खबर नहीं मिल रही, इसका मतलब योग्यता में कहीं ना कहीं कमी, ठीक, और योग्यता की कमी के कारण ही हमेशा बिखराव की स्थिति या विकेंद्रीकरण की स्थिति होगी, ठीक है। तो ये एक योग्य पेशवा था जिसने दोबारा से शक्ति को पुनः संगठित किया, लेकिन बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। ये जो घाटा था मुगलों को, मराठों का, ये पानीपत के उस पराजय से ज्यादा बड़ा था, क्योंकि शक्ति बिखर रही थी, ऐसे में एक स्टेबल लीडर की जरूरत थी, और लीडर मिला भी लेकिन बहुत लंबे समय तक वह शासन नहीं चला पाया, ठीक। तो इसमें लिखिएगा, यह एक योग्य पेशवा था, यह एक योग्य पेशवा था, इसने पानीपत की पराजय के पश्चात, इसने पानीपत की पराजय के पश्चात मराठा शक्ति को पुनः संगठित किया, मराठा शक्ति को पुनः संगठित किया, इस
इसके समय मराठा नेता महादजी सिंधिया के प्रयास से शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया गया बीमारी के कारण माधव राव प्रथम की मृत्यु हुई जिसे मराठों के लिए पानीपत की पराजय से अधिक घातक माना गया। लिए लो भाई, अगले, ये तो ज्यादा दिन टिके नहीं है, 72 बने हैं 74 में, ये मामला इनका खराब था। इसमें बस इतना ही जानिए, इनकी हत्या रघुनाथ राव ने करा दी थी, खत्म बात, ठीक, आपस में ही लड़े भिड़े पड़े, ठीक। इसमें लिख लीजिए, नारायण राव की हत्या रघुनाथ राव ने कर दी, फिर भी वह पेशवा बनने में सफल नहीं हुआ। अब इनके पुत्र, नारायण राव के पुत्र, बहुत अल्पायु पुत्र, माधव राव सेकंड पेशवा बने, ठीक, फिर भी वह पेशवा बनने में सफल नहीं हुआ। अब इनके पुत्र बनेंगे, हेडिंग डालिएगा पेशवा माधव राव द्वितीय। 74 में मृत्यु हुई, तो उनका टाइम पीरियड रहेगा 75 से 95, पेशवा माधव राव द्वितीय, ठीक। अल्पायु पुत्र थे नारायण राव के, बहुत छोटे, ठीक। इसे पहला बिंदु लिखिएगा, यह नारायण राव के अल्पायु पुत्र थे। अतः इसकी शासन की देखरेख के लिए एक 12 भाई परिषद का गठन हुआ, जिसके प्रमुख नाना फडणवीस थे। जिसके प्रमुख नाना फडणवीस थे। अब देखो, लिख लिया, असल में हुआ क्या, नारायण राव की हत्या रघुनाथ राव ने कर दी, उनका अल्पायु पुत्र पेशवा बना दिया गया, वो पेशवा तब भी नहीं बना, यहां तक मामला ठीक चल रहा था। तो जो रघुनाथ राव थे वो दुखी होकर पहुंच गए अंग्रेजों के पास, और अंग्रेजों से की सूरत की संधि, और अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम तुम्हारी सैन्य सहायता तुमको देंगे। बस यही वो समय था जब अंग्रेजों ने मराठों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ऐसा चाह भी रहे थे कोई आए, खुद ही चले गए। यहां से आपको ऐसा लगेगा कि भारत में जो कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाए, ये भारत में ही हुआ, ठीक। यहां ऐसा बहुत, आपने इतिहास बता रहा है, ठीक, हमेशा घर वाला ही निकलेगा, जो आपकी टांग खींचता मिलेगा, क्योंकि उसको आपको आगे नहीं बढ़ने देता। देख लो, सब अभी सब ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। बंगाल में देखो, ये मत देखो कि रिलीजन क्या है, जरा ये देखो कि हुआ क्या, अपने अंदर ही षड्यंत्र चल रहा है, ठीक। हमको राजा बनना है, और फिर संपूर्ण सत्ता समाप्त हो जाती है, बचती नहीं, ठीक। तो इसमें लिखिएगा, माधव राव सेकंड के पेशवा बनने पर रघुनाथ राव निराश होकर अंग्रेजों की शरण में चला गया
और उससे सूरत की संधि, और उससे सूरत की संधि, ब्रैकेट में लिखिएगा 1775, और उससे सूरत की संधि की जिसके तहत अंग्रेजों ने उसे पेशवा बनाने के लिए सैन्य सहायता देने की बात कही इसी के साथ अंग्रेज मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे फलतः अंग्रेजों के साथ मराठों का युद्ध शुरू हुआ। ये वही समय है जब अंग्रेज उधर मैसूर में भी युद्ध में संलग्न है, और उसी समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी 75 से 22, वही समय 81 वाला, ध्यान रखना। ठीक सर, थोड़ा धीरे बोलो, मतलब आवाज का टोन धीमा करना है या स्पीड धीमी करनी? स्पीड धीमी नहीं हो पाएगी, सिलेबस भी तो खत्म करना, नहीं तो तुम लोग रह जाओगे इसे। ठीक, हाथ दर्द हो गया इतने में ही, अब 1.5 घंटा भी नहीं हुआ, 3 घंटे कैसे लिखिएगा? और मैं ज्यादा नहीं लिखा रहा हूं, आपको लग रहा है सिर्फ कॉपी देखेंगे उतना ज्यादा नहीं है वो। अब बताइए कैसे करिएगा फिर तनुजा जी, और अगर हाथ दर्द कर रहा है तो उसको दर्द करने दीजिए थोड़ा सा। ठीक, अब आप सोचिए, मैं सुबह 5:30 बजे उठ के, मुझे भी कष्ट होता, मेरा शरीर मेरा कौन सा, मतलब कि तुम लोग सोच रहे हो सर्द पत्थर बन के चले आते, सुबह तुमसे ज्यादा सर्दी में तुम्हें पढ़ाने के लिए मैं यहाँ एक करोल बाग में खड़ा हूं। ठीक है, इसे थोड़ा सा कष्ट कर लेते हैं। और देखिए, मैंने आपसे पहले भी सबसे ये मैंने रिक्वेस्ट की थी, और ये मेरा एक सजेशन था कि राइटिंग स्पीड फास्ट रखिएगा अन्यथा पेपर छूट जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखिए तनुजा, कोई उसमें शक और शुबा नहीं कि हमें 7 मिनट मिलता है एक उत्तर लिखने के लिए मेंस के स्तर पर, इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप थोड़ा सा ये, अच्छा ये सब्जेक्ट्स हिस्ट्री के जो सब्जेक्ट्स होते हैं थोड़ा स्पीड वाले होते हैं। ठीक, तो स्पीड में लिखना यहीं पर हम सीखते हैं। ठीक, ज्योग्राफी वगैरह में थोड़ा बनाना होता है, इकोलॉजी एनवायरमेंट में थोड़ा समझाना होता है, यहाँ पर बस कहानी समझाई और लिखवाया, कहानी के अलावा है क्या उसमें? अच्छा, इसको घर में जाके पढ़ोगे जब तो पता चलेगा वो कहानी है पूरी। ठीक, मामला यही है कि स्पीड बढ़े, क्योंकि आपको लिखना है, और अगर लिखना है तो स्पीड चाहिए, और कोई भी इस चीज पर ध्यान नहीं देता, खासतौर पे हिंदी माध्यम में। ठीक, बड़े से बड़े संस्थान में भी स्पीड पर कोई ध्यान नहीं देता, जिस वजह से हिंदी माध्यम के बच्चों की स्पीड नहीं बढ़ती, फिर उनका पेपर छूटता है। ठीक, अब फिर सिलेक्शन नहीं होता तो परेशान रहते हैं, इसलिए स्पीड के मामले में हम ठीक से चलेंगे, और ठीक स्पीड है तो सिलेबस भी खत्म करना है। 1 महीने का ही टाइम मैंने लिया है, 1 महीने में इसको खत्म करना मॉडर्न हिस्ट्री को। ठीक, ताकि आपका भी सिलेबस रैप अप हो, आपको लिमिटेड रिवीजन कराना चाहता हूं मैं, कम से कम 10-10 बार रिवीजन करो तो जाके कहीं तुम्हारा सिलेक्शन का चांसेस बनेंगे। ठीक, चांसेस बनेंगे, 100% नहीं कह रहा, कोई भी चीज 100% नहीं होती। ठीक है ना, तो कम से कम उस पर तो चलेंगे ना। ठीक है ना, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये वही समय है ना, इस समय मैसूर में भी युद्ध चल रहा है। यहां पर मामला यह आया कि बॉम्बे के जो अधिकारी थे, मद्रास के जो अधिकारी थे, अब मद्रास के अधिकारी वहां टीपू से भिड़ रहे हैं, तो बॉम्बे के अधिकारियों ने सोचा कि भाई क्लाइव की तरह हम भी लाभ लें, हम भी कंपनी को दिखाएं, देखो हमने भी, उलझ गए मराठों से। ठीक है, इस समय बंगाल में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बंगाल से ही सब कुछ चलता है ना।
इसमें लिखिए, यह अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा का परिणाम था, यह अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा का परिणाम था, यह अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। वस्तुतः वस्तुतः बॉम्बे, वस्तुतः बॉम्बे, वस्तुतः बॉम्बे के अंग्रेज अधिकारी भी, वस्तुतः बॉम्बे के अंग्रेज अधिकारी भी वैसा ही लाभ लेने का, वस्तुतः बॉम्बे के अंग्रेज अधिकारी भी वैसा ही लाभ लेने का प्रयास कर रहे थे, वैसा ही लाभ लेने का प्रयास कर रहे थे जैसा 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 क्लाइव ने बंगाल के आंतरिक मामलों में, क्लाइव ने बंगाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर, क्लाइव ने बंगाल के मामलों में हस्तक्षेप कर उठाया था। क्या उठाया था? लाभ उठाया था, ठीक है। वैसा ही लाभ लेने का प्रयास कर रहे जैसा क्लाइव ने बंगाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर उठाया था। अंततः 1782 में, अंततः 1782 में सालाबाई की संधि, अंततः 1782 में सालाबाई की संधि, सालाबाई की संधि से युद्ध समाप्त हुआ, से युद्ध समाप्त हुआ और अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को, और अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार किया, पेशवा स्वीकार किया। इस युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, इस युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। अब अंतिम पेशवा की बारी है, इसके बारे में, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये अंतिम पेशवा है, ठीक ठीक, पेशवा बाजीराव द्वितीय 1795 से 1818, पेशवा बाजीराव द्वितीय, अंतिम पेशवा, यह अंतिम मराठा पेशवा था, ठीक, लिखो, यह अंतिम मराठा पेशवा था। इसको मराठा नेता होलकर ने चुनौती दी, इसको मराठा नेता होलकर ने चुनौती दी, होलकर ने चुनौती दी। अतः यह भागकर, अतः यह भागकर अंग्रेजों की शरण में गया, अंग्रेजों की शरण में गया और उनके साथ, और उनके साथ बेसीन की संधि, और उनके साथ बेसीन की संधि 1802, बेसीन की संधि 1802 की, बेसीन की संधि 1802 की। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल, इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेले जली था, कौन सी जली था? वेले जली, लॉर्ड वेले जली था, जो भारत में, जो भारत में ब्रिटिश कंपनी को, जो भारत में ब्रिटिश कंपनी को सर्वोच्च शक्ति बनाना चाहता, सर्वोच्च शक्ति बनाना चाहता था। उसने इस कार्य के लिए सहायक संधि प्रणाली लागू की, उसने इस कार्य के लिए सहायक संधि प्रणाली लागू की। सहायक संधि प्रणाली लागू की, यह एक सहायक संधि थी, यह एक सहायक संधि थी जिसके तहत, जिसके तहत
पेशवा ने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया, जिसके तहत पेशवा ने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया और पूना में ब्रिटिश सेना रखने की बात स्वीकार की इस सेना के खर्च के लिए पेशवा अंग्रेजों को यह संधि मराठों के लिए अपमानजनक थी, अतः मराठों ने इसका विरोध किया, और इसी क्रम में अंग्रेजों के साथ पुनः युद्ध शुरू हुआ यह है द्वितीय अंग मराठा युद्ध 1803 में शुरू होगा, 5 में खत्म हो जाएगा और इसी के साथ द एंड, क्योंकि अब इसमें सब हारेंगे एक एक करके और अंग्रेज हर मराठा से अलग अलग संधि करेंगे और उनसे प्रांतीय और क्षेत्रीय लाभ प्राप्त करेंगे, ठीक। और वही ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेले जली इस समय है, ठीक। तो भोसले के जो भोसले हैं, ठीक, भोसले के साथ देवगांव की संधि होगी, ठीक। इसके बाद जो सिंधिया हैं उनसे सुरजी अर्जन गांव की संधि होगी, ठीक। जो होलकर है उनसे राजपुर घाट की संधि होगी। तो अलग अलग हरा के अलग अलग मराठा शक्तियों से अलग अलग संधि, ठीक, और सबसे क्षेत्रीय और प्रादेशिक लाभ प्राप्त कर लेंगे और मराठा शक्ति का अंत हो जाएगा, ठीक। और न रहो मिलके तो यही होगा, ठीक। वो तो इंतजार कर ही रहे थे इस चीज का, कब तुम कमजोर हो गए और मराठा अंत तक बिल्कुल कमजोर हो गए, क्योंकि खुद ही जाने लगे अंग्रेजों के पास कि हमारी उतनी क्षमता नहीं बची। अब फिर सहायक संधि थी ही इसलिए ताकि आपको इंपीरियलिज्म औपनिवेशिकवाद के अंदर लाया जा सके धीरे धीरे। तुम इसीलिए तो राजा क्या थे, राजा सब संरक्षित हो गए थे अंग्रेजों के, तो चला तो तंत्र को अंग्रेज ही रहे थे, ठीक, और इनको लूट रहे थे। उतनी बुद्धि तो थी नहीं, तो अगर उतनी बुद्धि होती तो समझ पाते कर और राजस्व, उनका अपना खर्चा चल रहा था इसलिए उनको लग रहा सब ठीक है। जनता के ऊपर तो शोषण हो रहा था भारत में, ठीक, तभी तो फिर लोकतंत्र की बातें और सेल्फ रूल की बातें शुरू हो गई, ठीक। इसमें लिखिएगा, इस युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेले जली ने मराठा सरदारों को पराजित किया और उनसे अलग अलग संधि कर प्रादेशिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त किए तो भोसले के साथ की देवगांव की संधि, सिंधिया के साथ सुरजी अर्जुन गांव, और अंततः होलकर के साथ राजपुर घाट।
अब इसके बाद संधि के बाद ये शक्ति बिल्कुल बेकार हो गई, मराठा शक्ति बची नहीं थी। एक्चुअली में 1818 के समय क्या हुआ कि अंग्रेजों ने समूह था पिंडारी, वो क्या करता था, कोई निकल रहा उसको लूट लिया, मार दिया, लूटपाट करते थे। तो लूटपाट करते थे, इससे कानून व्यवस्था में समस्या आती थी और अंग्रेजों को समस्या होती थी व्यापार चलाने में। तो अंग्रेजों ने पिंडारियों के विरुद्ध अभियान चलाया, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि ये पिंडारी सेना के रूप में मराठों की सेना में थे भी और उनकी सहायता भी करते थे। ये सिंधियों के साथ जो संधि हो रही है वो समझ में नहीं आ रही है, क्या लिखी हुई है? सुरजी अर्जन गांव, सुरजी अर्जन गांव, सुरजी अर्जन गांव, ठीक। तो पिंडारियों के विरुद्ध जब अंग्रेजों ने अभियान चलाया तो उस अभियान में चूंकि पिंडारी मराठा सैनिक भी थे और शामिल थे सेना में, तो यहां से प्रॉब्लम मराठाओं को शुरू हो गई और अंततः तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818 में होगा। मराठा शक्ति उतनी पावरफुल थी नहीं, पहले ही संधि में थे और वॉरेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में पेशवा को पराजित कर संपूर्ण मराठवाड़ा क्षेत्र पर अंग्रेज अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे, ठीक। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इसमें लिखना, इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। इस समय प्रादेशिक मतलब प्रदेश क्षेत्र जो होते हैं ना प्रदेश के, ठीक। प्रादेशिक लाभ का मतलब उनके प्रदेश में से कुछ क्षेत्र ले लिए, ठीक है ना। जैसे छत्रसाल ने क्या किया था, झांसी और सूरजगढ़, इसी तरह क्षेत्र ले लेते हैं छोटे छोटे, ज्यादा राजस्व वाले हैं वो ले लिए, कम वाले तुम रखो, ठीक। जहां राजस्व ज्यादा आएगा वहीं तो बिजनेस होगा, ठीक। इसमें लिखिएगा, इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स था, वॉरेन हेस्टिंग्स, वही हेस्टिंग्स, ठीक। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स था, अंग्रेजों ने पिंडारियों के विरुद्ध, वही लूटपाट करने वाले, पिंडारियों के विरुद्ध अभियान चलाया, जो मराठा सेना में सहयोगी के रूप में कार्य करते थे, अंग्रेजों ने इनके विरुद्ध अभियान चलाया, क्योंकि यह कानून व्यवस्था में समस्या उत्पन्न कर रहे थे। अंग्रेजों ने इनके विरुद्ध अभियान चलाया क्योंकि यह कानून व्यवस्था में समस्या उत्पन्न कर रहे थे, जिसमें अंग्रेजों ने पेशवा को पराजित कर पूना की संधि की और पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के निकट, वही कानपुर जहां से मैं, कानपुर के निकट बिठूर
जाएंगे ना वहां पे, नाना साहब बिठूर में ही रहते थे, पेशवा थे मराठा, 1857 में फिर से हम देखेंगे यहाँ पर। बिठूर भेज दिया गया, भेज दिया गया। इस तरह संपूर्ण मराठवाड़ा क्षेत्र पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ। इस तरह संपूर्ण मराठवाड़ा क्षेत्र पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ। इस तरह संपूर्ण मराठवाड़ा क्षेत्र पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ, कौमा, और एक कपास उत्पादक क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर, एक कपास उत्पादक क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति की, यहां से पूरी हुआ है ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता है भारत से, ठीक। कपास उत्पादक क्षेत्र पर नियंत्रण कर ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं को पूरा किया गया। समझ रहे हो कहां से कहां जा रहे हैं, ठीक। अंग्रेज हैं ये, समझ में नहीं आते हैं किसी के, ठीक। मराठों को नहीं समझ में आ रहे हैं, अब वो यहां से कपास ले जाके वहां औद्योगिक क्रांति करे, देखिए यही कहता है इतिहास, ठीक। तो इतिहास एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो समझा देता है, ठीक। चलिए कल मिलेंगे, आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, ठीक, थोड़ा सा तबीयत नासाज है। और कल क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई है शायद, क्या क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई है शायद, रिकॉर्ड हुई होगी, रिकॉर्ड हो रही है, टेंशन मत लो सर। नहीं, एक वो पहले सिर्फ राम रॉय के नाम से यार दो आते थे ना, आज सिर्फ एक ही आ रहा है। नहीं नहीं, वो रिकॉर्ड हुई है, टेंशन मत लो, हो रही है रिकॉर्ड, ठीक, हो रही है ज्योति जी, रिकॉर्ड हो रही है, मिल जाएगी।